मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय। इनके पुत्र को आपने बैटिंग करते देखा होगा, एक बल्ला लेकर अधिकारी के ऊपर चढ़ गए थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, क्रिकेट के शौकीन लगे मुझे। तो किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अधिकारियों की कोई इज्जत नहीं है, उन्हें बैट से पीटा जा रहा था। अब कैलाश विजयवर्गीय फिर सामने आए हैं। पुत्र की तो आपने घटना देख ली थी, पिता भी लगभग उसी तरह के हैं, गुस्सैल हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं। ममता बनर्जी को पागल करार दे दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा है ममता बनर्जी पागल हैं। अब ममता बनर्जी क्यों पागल हैं? क्योंकि वह सरकार से सवाल कर रही हैं और सरकार से सवाल करने वाला पागल होता है। उस वक्त जो इंदिरा के आपातकाल का विरोध कर रहे थे वह भी पागल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ही थे। तो हम बता दें कि वह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई हैं, डर से पागल हो गई हैं। उन्हें लग रहा है कि एनआरसी और सीएए के बाद जिन शरणार्थियों को आतंकवादी कह लीजिए, उग्रवादी कह लीजिए, बांग्लादेश से बुलाया गया है, वही तो उनका वोट बैंक है। यह लागू होने के बाद उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, यह कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। तो हम भी यहाँ पर उन पर एक कटाक्ष करेंगे कि जिस तरह आप आसाम में नागरिकता देना चाहते हैं जिन हिंदुओं को, तो उन हिंदुओं के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो आसाम के हैं। आसाम में उन्होंने आपको वोट दिया था, आसाम में आपने उनके वोट से सरकार बनाई थी, अब एक उनसे भी ज़्यादा आबादी को वहाँ बसा कर आप अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यदि आप वहाँ नागरिकता नहीं देंगे तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, जो ममता बनर्जी को बात कह रहे हैं। और इतनी आसानी से पागल कह देना किसी नेता को बहुत ही निंदनीय है। वरिष्ठ नेता हैं, उनकी झलक उनके पुत्र में दिखाई देती है, वो उनसे भी बड़े बैट्समैन लग रहे हैं मुझे, ये भी बैट्समैन रहे होंगे अपने दौर में। तो ममता बनर्जी को पागल कहना बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर वह लगातार सरकार का विरोध कर रही हैं, लेकिन उस पर उन्होंने संवैधानिक रवैया दिखा रही हैं। वह कह रही हैं जनता से कि हिंसा नहीं होनी चाहिए प्रदर्शनों में, हिंसाओं को रुकवाया भी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में शुरुआती दौर पर हिंसाओं की घटना सामने आई थी, उनकी जांच होनी चाहिए, उसमें आरएसएस और एबीवीपी के भी कार्यकर्ता पकड़े गए थे, यह बात भूलने लायक नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय इस बात को भूल जाते हैं और हम लगातार देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन बातों को नहीं उठाती है कि किस तरह आरएसएस के एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ पकड़े गए, नहीं उठाती है और सीधे उठा करके अल्पसंख्यकों को निशाना बना दिया जाता है। तो इस वक्त ममता बनर्जी को जिस तरह उन्होंने पागल कहा है, इस संबंध में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ममता बनर्जी को पागल कहना निंदनीय है? क्या उन पर किसी प्रकार का की कार्रवाई होनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय पर? जिस तरह ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है कानून का, वह वोट बैंक की लालच में कर रही हैं, तो दिल्ली उत्तर प्रदेश में किस वोट बैंक का लालच है जो इस कानून का विरोध किया जा रहा है? महाराष्ट्र में यह कानून लागू नहीं होने दिया जा रहा है, तो क्या उद्धव ठाकरे भी अपने वोट बैंक को बचा रहे हैं? वही बांग्लादेश से लोगों को बुलाकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, आपके गठबंधन दल रहे हैं, सबसे पुराना गठबंधन दल है आपका। तो यहाँ पर बहुत ही बेतुका बयान है कैलाश विजयवर्गीय का, मैं इसको साफ नकारता हूँ, यह मेरी राय है। और आपकी राय क्या है? आपकी राय मेरी राय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है, लाइक करना ना भूलें, कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।